हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको वैद्यनाथ ब्रांड के शूलवर्जिनी वटी के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये वटी आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइज़ वैद्यनाथ ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है जिसके मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया में इनके प्रोडक्टों की बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। ये गाइस अधिकतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है जो कि केमिकल फ्री होते हैं, उस वजह से इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसके कारण लोग बाग बिना किसी कन्फ्यूजन के इनके प्रोडक्टों को परचेज कर लेते हैं। काफ़ी सस्ते भी प्रोडक्ट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल ब्रांड है गाइस ये। और इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको वैद्यनाथ ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है, तो आज अपन इसी ब्रांड के शूलवर्जिनी वटी के बारे में रिव्यू कर लेते हैं। सॉरी, शूलवर्जिनी वटी का उपयोग गैस आपके पेट संबंधी जितने भी दर्द होते हैं उनको दूर करने में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। ये वैद्यनाथ ब्रांड द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक हर्बल औषधि है, जिसके सेवन करने से आपके अम्लपित्त, अरुचि, अर्श, अतिसार या फिर अन्य भी वात पित्त या कब्ज रोगों में ये आपको फ़ायदा देने वाली औषधि है, जो आपके पेट में होने वाले धीमे धीमे दर्द को ठीक करने का काम करती है, उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। ये गाइज आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंटों के साथ मिलकर बनी होती है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है, जो इसके कारण ये आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है। तो चलिए गाइज अपन इसके इंग्रेडिएंट यानी कि इनके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। इसके अंदर गाइज जीरा, धनिया, अजवाइन, आंवला, बहेड़ा, लवंग, जायफल, तेजपत्ता, दालचीनी, तालीस पत्र, पीपल, हरड़, काली मिर्च, शुंठी, सुहागा, हींग, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, लोह भस्म, शंख भस्म, शुद्ध सुहागा, ये सारी चीज़ इसके अंदर मिली होती है, जो पेट में होने वाले धीमे धीमे दर्द को सही करने का काम करती है, यानी कि पेट में होने वाले दर्द को ठीक करने में ये मदद करती हैं, या फिर आपके पेट संबंधी जितनी सारी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने का काम करती हैं। इसका खुराक गाइस ये है कि आप एक दिन में दो बार इसकी टैबलेट ले सकते हैं, ये आपको मार्केट में टैबलेट फॉर्म में मिलती है, या फिर आप इसकी खुराक को डॉक्टर की सहायता से भी निर्धारित कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 40 टैबलेट होती हैं, जो आपको सुबह शाम डेली लेनी होती है, या फिर आप डॉक्टर की सहायता से भी इसकी खुराक को निर्धारित कर सकते हैं। गाइस अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, पहले से किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस औषधि को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेके आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि गाइज हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए हमेशा मेरी सलाह तो यही रहेगी, कोई भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। चाहे वो होम्योपैथिक दवाई हो या एलोपैथिक दवाई हो, हर किसी व्यक्ति की बातों में ना आकर के किसी भी दवा को नहीं लेना चाहिए। हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं, तो इसीलिए गाइस इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है गाइस, 77 यानी कि 77 रुपये इसका प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से ख़रीदें, तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी स्नैपडील पर ख़रीद सकते हैं, स्नैपडील पर ये इजीली तरीके से आपको मिल जाता है, अफोर्डेबल भी है गाइस, आप एक बार इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी औषधि है, जो आपके पेट की जितनी सारी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आपके पेट की समस्याओं को ये दूर करने का काम करेगी, आपके अम्लपित्त, अतिसार या फिर पेट में धीमा धीमा दर्द जो बना रहता है उसको ख़त्म करने का काम करेगी। बहुत ही ज़्यादा विशेष उपयोगी दवा है, उपयोगी मेडिसिन है, अफोर्डेबल भी है गाइज, इसका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए खुराक से ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सो गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे, और गाइज बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पेट संबंधी जितनी सारी समस्या या फिर पेट में होने वाले दर्द इन सबको दूर करने के लिए आज ही आप इस औषधि को ले आइए, बहुत ही ज़्यादा 100% श्योर हूँ मैं, ये आपकी जो भी पेट की समस्याएं हैं उनको दूर करने में मदद करेगी। सो गाइस धन्यवाद।